बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। नीतीश कुमार ने जो रेप केस था बाल सुधार गृह में, वहां पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसी की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और अब केंद्र की जो सरकार है वो सीबीआई जांच की का आदेश जो है वो दे सकती है। शिव पूजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। शिव पूजन, आखिरकार विपक्ष की मांग के आगे नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है? जी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने घुसने के लिए विपक्ष के आगे, इसके बावजूद इसके पहले लगातार जो प्रदेश के डीजीपी हैं उनका यही कहना था कि उन्हें भरोसा है पुलिस की तफ्तीश पर। तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब यही कह रहे थे कि पुलिस पर भरोसा है और इसी वजह से त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी तुरंत कर ली गई थी इस मामले में। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहा था, लगातार सदन में इस मामले को उठाया जा रहा था, उसके बाद नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि कल तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम बड़े नेता वो मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने उस जगह विजिट भी किया था जहां ये घटना घटी थी। उसके बाद से लगातार सरकार दबाव में थी और इसे चंद मिनटों पहले ही ये आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव पूजन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल हमें रुकना